हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं दैट रिसेशन हर कॉलेज में हिट कर रहा है यहाँ पे भी उसने हिट किया है बट उसके अलावा भी हम अगर हम इन जेनरिक वे में बात करें तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें स्टूडेंट्स से सुनने मिली जो सुनने के बाद मैं भी हंस रही थी और वो भी हंस रहे थे तो सारा डिस्कशन हम इस एपिसोड में करेंगे लेट्स स्टार्ट सो इफ यू आर एन आपने कैट दिया है दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया आपका अच्छा नहीं है एंड आप उस कम पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेज आपने देखे हैं उनकी रियालिटी चेक क्या है तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है कॉलिंग के लिए नंबर दिया है जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। सो वेलकम बैक टू दिस एपिसोड। मेरे दिमाग में इस रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे, Christ University. Christ University, बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं मांगते हैं स्पेशली बिहार यूपी के स्टूडेंट आर लाइक फॉर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी इन ट्रिपल आई वीडियो जब पूरा सेंटेंस कंप्लीट होगा तब तुम्हें तो कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि मैं बताना क्या चाह रही हूँ दूसरों की चीज हमेशा आपको अच्छी लगती है और आपको जो चीज मिल जाए भले वो आपकी बीवी हो आपका कॉलेज हो या कुछ भी हो वो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता <laughs> तो जिन स्टूडेंट्स को ट्रिपल आई टी नहीं मिला है वो सोचते हैं यार काश मुझे एडमिशन मिल जाए बिकॉज बैट साइज कहीं ना कहीं छोटा है पर जिन स्टूडेंट से हमने बात की उनकी रियालिटी उनका जो ओपिनियन है कॉलेज को लेकर वो काफी ज्यादा अलग है तो स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिकली विद कैंपस ऑल दी एन आई टीज ऑल दी ट्रिपल आई टीज आर नोन फॉर इंजीनियरिंग कॉलेज दैट इज वन थिंग एंड इनके लिए काउंसिलिंग होती है ऐसा नहीं है कि तुम्हें चाहिए तो तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा तुम्हें अप्लाई करना है प्रोसेस होगी एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट इन टू द कॉलेज तो यार रेस तो है पर रेस में तुम जीत गए तो तुम्हें मिलेगा क्या ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ प्ले कर रोल प्ले करती है 1999 का स्टेबलिश कॉलेज है ऑटोनॉमस है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है 100 एकड़ का कैंपस का है आई मीन इट हैज अ वेरी ब्यूटीफुल कैंपस ऑल द आई एंड एन कैंपस काफ़ी सुंदर है एआईसीटी के साथ साथ यूजीसी अप्रूवल है यहां पे तो काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं बट जिस स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी जिन स्टूडेंट से मैंने बात की ट्वेंटी फोर बाद में पहले कॉलेज कैट भी एक्सेप्ट करता था सीमार्ट भी एक्सेप्ट करता था मैट भी एक्सेप्ट करता था बट अभी कैट सी मार्ट के बेसिस पे एडमिशन रहता है आप इसको एक बार और वेरीफाई कर सकते हैं बिकॉज दिस इज वॉट स्टूडेंट सेट एंड कट ऑफ क्या है जिस स्टूडेंट से मैंने एक से बात की थी तो उसका सीमार्ट में 82 टू परसेंट टाइल था कैट में एक स्टूडेंट से मैंने बात की थी तो उसका 65 फाइव परसेंट टाइल था तो अलग अलग परसेंटाइल के स्टूडेंट्स आपको कॉलेज में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे कनेक्टिविटी अगर हम बात करें नियरेस्ट रेलवे स्टेशन दैट इज सुबेदार गंज तीन किलोमीटर दूर है नियरेस्ट एयरपोर्ट प्रयागराज एयरपोर्ट है फोर पॉइंट थ्री किलोमीटर कहीं ना कहीं दूर है कोर्सेज एमबीए कराता है एमबीए की फीस की अगर मैं बात करूं तो दैट इज मोस्ट

के एंड से पहले मैं आपको फिर बता दूं हर स्टूडेंट की प्रोफाइल प्रोफाइल कॉलेजेस करते हैं ये एक ऐसी में कर जाती हूं, तो मुझे बाद में रिग्रेट भी होता है तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं दर आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप कौन सा टारगेट कर सकते हैं तो नीचे फॉर्म दिया है जिसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं तो सिंपल सी चीज़ है फॉर्म फिल करोगे फॉर्म फिल करने के बाद इंटरव्यू होगा देन सिलेक्शन होगा यहाँ पे एक सेवेंटी एट प्लस कट ऑफ दिया है बट कम पर्सेंट टाइप क्योंकि कैटेगरी वाला सिस्टम है ओबीसी बी सी एस टी तो अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं कट uh, ऑफ भी रहता है स्कॉलरशिप भी कई तरह की ऑफर करता है कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को ना के बराबर फीस लगती है सिंपल सी चीज़ है एन आई टी के डॉट ए सी डॉट इन पर जाके अप्लाई करना है ठीक है रजिस्टर करना है ऑनलाइन आपको 600 की फीस पे करनी है अगर आप ओबीसी हैं ईडब्ल्यू एस या फिर जनरल कैटेगरी हैं और अगर आप एस टी एस सी पीडब्लू डी है तो 150 का आपको एप्लीकेशन है द हार्ड कॉपी पेमेंट बीन रिलीज कैंडिडेट कैन एप्लीकेशन फॉर्म एंट्रिंग द इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग एंट्रेंस स्कोर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स अपॉन शॉर्टलिस्टिंग पहले एंट्रेंस की बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग होगी आपको जी डी पे आएगा उनके लिए कॉल आएगा एंड देन फर्दर आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्राइटेरिया नहीं है अब प्लेसमेंट पे हम बात करते हैं पर प्लेसमेंट से पहले सिंपल सी चीज़ें फ़ैकल्टीज पे आते हैं फैकल्टीज का स्टूडेंट का यह कहना है कि जो मेन फैकल्टीज़ है वो तो पढ़ाने नहीं आती उनके अंडर जो बच्चे पी कर रहे होते हैं वो पढ़ाने आते हैं सिर्फ एक दो फैकल्टीज पढ़ाने आते हैं करिकुलम थियोरिटिकल है दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच स्टूडेंट सेट स्टूडेंट का ये भी कहना है ये कॉलेज कुछ खास नहीं है अगर आपको सिर्फ डिग्री चाहिए टैग के लिए आप आ रहे हो कि ठीक है आप इन फ्यूचर ग्रो करोगे तो यार ट्रिपल आई का टैग है तो फिर आप आ सकते हो बट अगर आप सोच रहे हो मुझे कॉलेज के साथ साथ अच्छी पढ़ाई मिलेगी अच्छी इनिशियल प्लेसमेंट्स मिलेंगी तो वो इस कॉलेज में नहीं है एक और लाइन स्टूडेंट ने बोली जिसको बोलने पर मैं भी हंस रही थी और वो भी हंस रहा था कि यार कई बच्चे जो नए भी आते हैं उनको ऐसे डिग्री भी दे देते हैं मतलब मैंने बोला यार आई लिटरली स्टार्ट लाफिंग उसके बाद वो भी हंसने लगा तो मैंने उससे बोला कि वाह यू आर लाफिंग ऑन दिस तो ही दैट मैम ये बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते हैं मैंने भी बिलीव नहीं किया था बट जब मैं कॉलेज आया तो मुझे पता चला ये कितना सही है गलत है दैट इज समथिंग वॉट नीड्स टू बी लुक फॉरवर्ड आपको कितना सही लगता है अगर आप ट्रिपल आईटी से एमबीए कर रहे हैं लेमिन इन द कमेंट सेक्शन कॉलेज लाइफ स्टूडेंट का कहना सही है बिकॉज ट्रिपल आई टीज हैं कैंपस आप देख रहे हो बहुत बड़ा है थ्रू आउट दियर इवेंट्स हैं करिकुलर होते रहते हैं प्लेसमेंट से पहले आ, एवरेज प्लेसमेंट जो स्टूडेंट ने मुझे बताया दैट इज़ समेयर अराउंड पाँच से छः लाख के बीच का एवरेज प्लेसमेंट है हाईएसट पैकेज जो है वो नाइन पॉइंट नाइन लाख का गया है फेबररी होने पे है अभी तक जो सिक्सटी बच्चे के बाद है उसमें से सिर्फ चौदह पंद्रह बच्चे प्लेसड हैं बाकी बच्चे प्लेसड नहीं हैं एम बी में पढ़ाई कम है टीचर्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ कई सारी कंपनीज इस साल आई हैं जैसे सदरलैंड हो गया बी हो गया बी नौ बच्चों को लेके गई है नाइन लाख ,00 के पैकेज पे इंडिया मार्ट है दो बच्चों को लेके गई है फाइनेंस में कंपनीज नहीं आती है जो आती हैं दैट इज यू नो मार्केटिंग के लिए दैट टू सेल्स प्रोफाइल ऑल्सो तो स्टूडेंट का कहना है कि अगर आप टैग डिग्री करना चाहते हैं कम बजट में तो, तो आप देख सकते हैं पर अगर आपको कॉलेज चाहिए जहाँ पे पढ़ाई हो एक्सपोजर मिले आप सीखो तो उसके लिए ये कॉलेज कहीं ना कहीं सही नहीं है क्योंकि कॉलेज सिर्फ ठीक ही है एंड इन्होंने तो 75 फाइव मैंशन की है बट स्टूडेंट के हिसाब से हाईएस्ट पैकेज 9 लाख का है एंड टॉप रिक्रूटर्स भी मैं आपको बता चुकी इस साल कौन सी कंपनीज आई हैं सिर्फ 12 चौदह बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है सो so फार ये सारी फैसिलिटीज़ है कॉलेज लाइफ डिसेंट है इवेंट्स होते हैं गेस्ट लेक्चर्स हैंकेथनॉर्न हैं वर्कशॉप्स हैं एंड देन इसके बाद दीज आर नियर बाय हैंग आउट्स बाग विक्टोरिया मेमोरियल एंड चंद्रशेखर आजाद पार्क जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप कॉलेज जाते हैं यार यही था ये एपिसोड आपका क्या रिव्यू है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आई होप यू लाइक लाइक दिस वीडियो फॉर मोर सच वीडियोस कीप वाचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब